मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज फिर से आपका स्वागत है सभी लोगों का एक नए ब्लॉग में। और आज का दिन है बसंत पंचमी का दिन, और आज के दिन हमारे गांव में हर साल की तरह आज सरस्वती पूजा का आयोजन है। और आप लोग पीछे देख पा रहे हैं सारे लड़के मिल के यहाँ पे सरस्वती माता का मूर्ति लेके खरीद के आए हैं और ये सजाए हैं। इतना ठंडी है और लेकिन कोई भी लड़का आज बच्चा नहीं है, सब सुबह ही नहा लिए हैं 5:30 सुबह 6 बजे तक। और हमारे बड़े भाई साहब हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से। नमस्कार, और आज बसंत पंचमी के दिन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सभी के जीवन में बहुत कृपा बरसाएं और आप सभी भी इनके ध्यान इनकी तरफ आकर्षित करें और विद्या ग्रहण करें। विद्या की देवी कही जाती है माँ सरस्वती, इसलिए आप सभी को धन्यवाद बसंत पंचमी का। आप सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं ये, और आप लोग भी सरस्वती पूजा कीजिए और ज्ञान बटोरिए माता सरस्वती से। अभी इसमें सजावट बढ़ ही रहा है, अभी हम लोग इसमें बैलून गुब्बारा फुला के और इसमें और हम लोग लगाएंगे और अच्छे तरीके से इसको सजाएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पूजा के थाली में पूजा का सामग्री पूरा तैयार होकर रखा गया है, और यहाँ पे प्रसाद भी पूरा तैयार है। अब बस पंडित जी का इंतजार है, उसके बाद से पूजा स्टार्ट होगा। सोमवार के ध्यान रखो। और यहाँ पे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है, और यहाँ पे श्रद्धालु बहुत खुश है। ये मर्द है नहीं करो मर्दवा। अब माता का पूजा हो गया है और सभी लोग प्रसाद पाकर अपने अपने घर जा चुके हैं, और अब हम लोग भी चल रहे हैं दूसरी जगह। चलिए आपको बताते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे गाँव के जस्ट बगल में, ये गाँव है, वहाँ पे एक मठ है महाराज जी का, जो कि वहाँ पे हर साल की तरह वहाँ भी बसंत पंचमी के दिन वहाँ पे कलश यात्रा होता है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पे नदी है, और ये नदी आगे गई है गांव है, वहाँ पे कितने किलोमीटर है यहाँ से भीतपुर 5-6 किलोमीटर तक पैदल लोग जाते हैं, वहाँ पे जल भरते हैं कलश में, फिर उसको फिर 3-4 गाँव घूम के फिर वापस इस मठ पर आते हैं। वहाँ पर ये कलश रखा जाता है। हम लोग भी डिसाइड किए कि आज हम लोग भी पैदल ही चलेंगे, बाइक नहीं लिया हम लोग, और क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे गांव से भी 1 किलोमीटर है बस यहाँ से। तो हम लोग भी अब पैदल चल ही रहे हैं। देखिए रास्ता है ये पीछे, ये है मेन गेट इस मंदिर का, और चलिए आपको दिखाते हैं अंदर, इतना भीड़ है यहाँ पर, अंदर चलिए आपको दिखा देते हैं। ये मंदिर का अंदर का प्रांगण है, यहाँ पे बजरंगबली का स्थान है।
और ये ठाकुर जी का मंदिर है। और ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये जो पंडाल है, यहीं से कलश उठा था और यहीं पे फिर वापस रखा गया है। पीछे देखिए आप लोग, यहाँ पे दिख रहा होगा कलश रखा गया है पीछे। और देखिए यहाँ पे हजारों की संख्या में कलश रखा गया है। यहाँ पे यहाँ से कलश उठा के फिर करीब 4-5 किलोमीटर का परिक्रमा लगाते हैं ये लोग, इसमें पानी भर के। हम लोग कलश यात्रा मिस कर दिए हैं क्योंकि गांव पे भी सरस्वती माता का पूजा कराना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर अगली साल देखेंगे। यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए टेंट और प्रसाद खाने के लिए व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। सबको यहाँ बैठा खिलाया जा रहा है प्रसाद। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे पर डे रामलीला और रासलीला होता है। दिन में रामलीला होता है और रात में रासलीला होता है। और जो रामलीला करने वाले तो वो लोग मथुरा से आते हैं। मंच है जहाँ रामलीला रामलीला प्रस्तुत किया जाएगा, तो हम भी चाहेंगे जो भी हमारे दर्शकगण हैं आए और देखें। यहाँ पे बहुत अच्छा रासलीला रामलीला होता है। पर डे दिन में रामलीला और रात में रासलीला होता है यहाँ पे। और ये लड़का बहुत बेचैन है वीडियो में आने के लिए, इसका नाम प्रशांत सिंह है। भैया लोग देख लीजिए इसको, यार बहुत ज्यादा परेशान है। उस समय से कह रहा है कि यार मुझे वीडियो में आप नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं मेला लगा हुआ है यहाँ पे। मेले में आए और बिना जलेबी खाए हम वो जा नहीं सकते हैं, तो जलेबी के दुकान पे हैं हम लोग। और ये पीछे देखिए जलेबी बन रहा है पीछे, जलेबी तो भाई बिना मेले में खाए हुए आप जा रहे हैं। मेले में खाए हुए जलेबी हम लोग जा नहीं सकते हैं। जलेबी भाई प्रिय है हम लोगों का। छोटू भैया कहाँ है? जलेबी कौन कौन खा रहा है? आइए जलेबी खाइए, बहुत दिनों बाद हम लोग खा रहे हैं। आप लोग भी आइए और इस जलेबी का मजा उठाइए। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कोई हवा मिठाई कोई बैलून लेके अपने घर पे जा रहे हैं ये लोग। यहाँ पे बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं। ये प्रशांत सिंह है, फौजी भाई। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।